अजय सभी फ्रेंड। और अभी हम क्या करने वाले बच्चों, कुछ नेट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं प्लीज़ मुझे सेंड करते रहिए व्हाट्सएप पे, ताकि जो है मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। ओके आइए। अच्छा, इस बार बच्चों जैसे मुझे स्टूडेंट बता रहे हैं, अब की बार अप्लाइड इजी था, रियल और टिपिकल, रियल और लीनियर थोड़े, यानी कि थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन थे अप्लाइड। और सिमिलरली रिंग थ्योरी थोड़ा टिपिकल था और ग्रुप थ्योरी इजी था। आइए समझते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नोट्सों से उठा के दिए हुए हैं क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं सीओवी, तो आई थिंक आपके ये क्वेश्चन हो गए होंगे। देखो क्या है फंक्शन, क्या है यहाँ f 12xy-y' का स्क्वायर। एक्सट्रीमल पूछा था, आयलर इक्वेशन। क्या थी f(y-d/dx)? f(y) इज इक्वल टू 0। f(y) के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो कितना आएगा बच्चों, 12x-d/dx, y' के रिस्पेक्ट में माइनस का 2y' इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहाँ से, 12x-(-+2y)' इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, y" इज इक्वल टू माइनस का 6x। इंटीग्रेशन बोथ साइड, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो y' और यहाँ करेंगे तो माइनस का 6x का स्क्वायर बाई 2 प्लस में कॉन्स्टेंट a। फिर से कर दो इंटीग्रेशन, तो ये तो yx और ये क्या हो जाएगा, -6x³ बाई 6 प्लस ax+b। तो yx यहाँ से कितना आ गया बच्चों, yx हमारे पास आ गया बच्चों -x³ + ax+b। अब कंडीशन ये होगी, पहले कंडीशन है 0 पुट करने पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ करो 0 पुट, तो y ऑफ 0 दैट इज b, ये 0 ये 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, b की वैल्यू होगी 0, पुट कर दो तो क्या आ गया y x हमारे पास आ गया -x³ + ax। -1 पुट करो तो ये क्या आएगा, 1 + -a किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, पुट कर दो यानी कि y ऑफ x किसके आ गया, y ऑफ x बराबर आ गया -x³। ये हमारा एक्सट्रीमल है। क्या बच्चों, ये हमारा एक्सट्रीमल है, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया हुआ होगा, वो कितने मार्क्स में पूछा गया था, ये सिंगल चॉइस में पूछा गया था, एसक्यू में 3 मार्क्स। आई होप आप सभी का इसका आंसर जो है बच्चों -x³ आया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फिर।